जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 556 का परीक्षा परिणाम न निकालने पर अब अभ्यर्थियों ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर अमरण अनशन शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 23 दिनों से अभ्यर्थी क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, लेकिन आयोग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अब अमरण अनशन शुरू कर दिया है। अमरण अनशन पर बैठे हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक परिणाम नहीं निकाला जाएगा तब तक अमरण अनशन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस पिछले 2.5 सालों से परीक्षा परिणाम निकालने के लिए केवल मात्र आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम निकालने के लिए पिछले 23 दिनों से आयोग कार्यालय के बाहर धरना पर अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने बताया कि आयोग के अधिकारियों से मिलने पर केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं, लेकिन अब अमरण अनशन परिणाम निकालने के बाद ही टूटेगा। है कि हम यहाँ पे 31 जनवरी 2019 से बैठे हुए हैं। हमारी एक मांग थी कि अंतिम नतीजा घोषित होना चाहिए, मगर इसके संबंधित इसके संदर्भ में मैंने डीसी साहिबा को और साथ में ही माननीय अध्यक्ष सचिव महोदय जी को ज्ञापन सौंपा था कि हमारा जो परिणाम है वो शीघ्र अतिशीघ्र जारी कर दें, मगर आयोग के ढुलमिल रवैये को देखते हुए हमें 4 तारीख से क्रमिक अनशन पर बैठना पड़ा, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमें कार्मिक विभाग शिमला से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, हमने उसके लिए संबंधित फाइल आगे भेजी हुई है। 7 फरवरी को कार्मिक विभाग से जवाब मिलता है, उसके बाद भी इनकी जो स्टेटमेंट थी यही थी कि 8-10 दिन के अंदर हम जो है अंतिम नतीजा घोषित कर देंगे। 8-10 दिन होने के बावजूद हमें ये महसूस हुआ कि क्रमिक अनशन से बात नहीं बनेगी, इसलिए हमने अमरण अनशन जो है उसको रखने का फैसला लिया कि हम अमरण अनशन पे बैठेंगे, हम अनजल का त्याग कर देंगे। और उसके बाद भी आज हमें 3रा दिन है, हमें 21 से बैठे हुए हैं अमरण अनशन पे, मगर आयोग जो है आजकल इन्हीं ऐसा ही बयान दे रहा है कि आजकल में हम परिणाम घोषित कर देंगे, मगर परिणाम नहीं आया है और अभी भी बयानों में ही परिणाम आ रहा है। अभी भी हमारी यही गुजारिश है, आज हमारे यहाँ शिमला, बिलासपुर और अन्य ज़िले से अभ्यर्थी पहुँच रहे हैं, कुछ पहुँच चुके हैं, तो उनकी भी यही मांग है कि परिणाम जो है जैसे भी देना है, जो इनको लगता है कि योग्य अभ्यर्थी हैं उनका ये परिणाम दे सकते हैं। और हमारी अंतिम मांग भी यही है कि परिणाम मिलना चाहिए, हमारी पहली मांग भी यही थी और आज भी हम कह रहे हैं कि हमारी अंतिम मांग भी यही है कि परिणाम जो है हमें चाहिए, चाहे आप उसे किसी भी रूप में दें। तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, जो हमने पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं अपने फर्स्ट जो मीडिया में हमने स्टेटमेंट दी थी कि जब तक परिणाम नहीं मिलता है हम तब तक नहीं यहाँ से उठेंगे, तब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, तो परिणाम जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ये हमारे अभी भी विनम्र निवेदन है, आग्रह है माननीय अध्यक्ष और माननीय सचिव महोदय से। सर, पिछले 24 दिनों से हम यहाँ पर लगातार दिन रात डटे हुए हैं और पिछले 3 दिनों से हम क्रमिक अनशन को तोड़ते हुए अमरण अनशन पे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इसके बीच में हमारे 2 विद्यार्थी थे, उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको हमने घर पे भेज दिया हुआ है और 2 विद्यार्थी हमारे यहाँ पे भी अभी भी इसमें अमरण अनशन पे जुड़े हुए हैं। और न्यूज़ के माध्यम से आज हमें सचिव महोदय की स्टेटमेंट से पता चला है कि इन्होंने सरकार से भी रिजल्ट की परमिशन मांग ली है देने के लिए, और उसमें उन्होंने कहा है कि रिजल्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और परिणाम हम किसी भी समय घोषित कर सकते हैं। तो हमारी माननीय आयोग से यही प्रार्थना है कि रिजल्ट वो आज शाम को अगर दे देते हैं तो हम आज शाम को अपना अमरण अनशन खत्म करके यहां से घर वापस चले जाएंगे। बता दें कि अमरण अनशन के दौरान 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें उपचार दिया जा रहा है और बाकी बचे हुए अभ्यर्थियों की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों की मांग को अनदेखा करते हुए परिणाम निकालने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, जिससे अभ्यर्थियों में गहरा रोष पनपा हुआ है।